और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। कार की कांच तोड़कर लैपटॉप चोरी करने वाला शख्स गिरफ्तार, 2 लाख के लैपटॉप हुए बरामद। कार की कांच तोड़कर लैपटॉप चोरी करने वाले शख्स को वाशी पुलिस की DB टीम ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। DCP पंकज डहाने के अनुसार रविंद्र दौंड नाम का यह आरोपी वाशी सेक्टर 17 में टाटा डोकोमो की कंपनी में काम करता था। उसके पास से पुलिस ने कुल 8 लैपटॉप बरामद किए हैं, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। पुलिस का कहना है कि इस व्यक्ति पर 2015 में भी गुनाह दाखिल किया गया था। इस घटना में और कौन कौन से लोग शामिल थे, इसकी जांच चल रही है। पुलिस ने नागरिकों से पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करने और गाड़ी में कीमती सामान नहीं रखने का आह्वान किया है। वाशी पुलिस की DB टीम के PSI माने और उनकी टीम ने और सीनियर PR क्राइम पे की टीम ने इस जो लैपटॉप चोरी की जो घटनाएं होती थी गाड़ी की कांच फोड़ के, तो वो आरोपी को अरेस्ट किया है। 22 फरवरी को उसको अरेस्ट किया है। उसके पास से लगभग 8 लैपटॉप अभी तक बरामद किए गए हैं। इसकी कुल कीमत 2.25 लाख रुपए है। वो गाड़ी की कांच फोड़ के लैपटॉप चोरी की घटनाएं करता था। अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पे है, अभी फिलहाल इस प्रकार से बताना उचित नहीं है। ऐसी बातें सामने आती है तो आपको बताया जाए। इसके पहले सेक्टर 17 वाशी में, इसके पहले डोकोमो की शोरूम में पहले सर्विस करता था। नागरिक को यही आह्वान है कि जो पार्किंग ऑथराइज पार्किंग प्लेसेस है वहाँ पे गाड़ी को पार्क किया जाए, गाड़ी में कोई जो कीमती चीज़ें है वो न रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।